बड़े स्ट्रेस से गुजर रही हूँ। 4 महीने पहले मैंने अपने 7 साल के बेटे को खोया है। कोई हम फर्जी लोग नहीं है, हम सिर्फ जॉइन के लिए अपने हक के लिए बैठे। सर मेरा नाम रेखा है, मैं करौली से बिलोंग करती हूँ। सर चीफू के सामने आज 14वां दिन हो गया धरना देते, पर सरकार की तरफ से अभी तक हमें किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। सर बहुत परेशान है, यहाँ रात में महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर पड़ी हैं। जो इंसान अपने घर के अंदर इस कड़कड़ाती सर्दी में नींद नहीं आती, वो बच्चे परेशान हो रहे, किसी की तबीयत खराब हो रही, पर सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। देखिए वर्तमान की परिस्थितियाँ हम देख रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। बात करें आपकी पास्ट लाइफ की, किस प्रकार आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना किया, घर में कौन कौन ने विरोध किया आपकी इस पढ़ाई का, और फिर भी आपको ऐन वक्त पे ये कहकर मना कर दिया जाता है कि अभी बजट नहीं है या फिर अभी हमारे पास समय नहीं है, तो अभी क्या बोलना चाहेंगे आप, अपने शब्दों में बता दीजिए। सर हमारी पास्ट लाइफ, मेरी मम्मी के घर की भी परिस्थिति ठीक नहीं थी किसी भी तरह। सरकारी स्कूल से मैंने 12वीं पास की थी, उसके बाद मेरी शादी कर दी गई, तो ससुराल में आके देखा वहाँ की परिस्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, बहुत ख़राब थी। तो मैंने घर वालों के सामने समझ अपना प्रस्ताव रखा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, स्वास्थ्य विभाग में जाना चाहती हूँ, या मुझे एएनएम की डिग्री करवा दो कैसे भी करके। तो घर वालों ने भी मेरी बात नहीं मानी, मना कर दिया कि हमारे समाज में बहू बेटियाँ बाहर नहीं निकलती, इन सब कुछ स्वीकार नहीं किया जाता है। उसके बावजूद भी मैंने सबके ताने सुनते हुए किसी से कर्जा लेके कुछ प्राइवेट में स्कूल में पढ़ा के एएनएम की डिग्री हासिल की और यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन लास्ट टाइम पर सरकार हमारे साथ, जब ये वैकेंसी निकली हुई थी तो कांग्रेस ने धोखा किया, किसी भी तरह भर्ती अटका के गई और अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर मैं आप क्या मांग करेंगी सरकार से, क्योंकि 14 दिन हो गया है, सरकार अब चेते नहीं चेते, लेकिन क्या मांग है आपकी सरकार से? मेरी एक ही मांग है कि सरकार हम सबको नियुक्ति दे और संविदा से मुक्ति दे। सर मेरे घर में सबसे मैं बड़ी बेटी हूँ, बड़ी बहू हूँ, तो घर की सारी जिम्मेदारी ऊपर है, मेरे ऊपर है। मेरे सास ससुर भी परेशान हैं, उनकी देखभाल भी करनी है। इस टाइम पे सर मैं बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजर रही हूँ। 4 महीने पहले मैंने अपने 7 साल के बेटे को खोया है, उसके बावजूद भी मैं धरना में 12 दिन से बैठी हुई हूँ। सरकार को समझना चाहिए कि कितनी बड़ी परेशानी, कितनी बड़ी मुसीबत है। कोई हम फर्जी लोग नहीं हैं, हम सिर्फ जॉइन के लिए अपने हक के लिए बैठे हैं। सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ भजनलाल सरकार से और मुख्यमंत्री से कि हम सबको नियुक्ति दे और संविदा से मुक्ति दे।